हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यूएसडी जीपीवाई की ट्रेड के बारे में। तो आप लोग को मैंने लास्ट ये शेयर किया था, तो अभी बात करेंगे कि क्यों शेयर किया था, ठीक है, क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे, कहाँ पे एंट्री हुई, कहाँ पे एग्जिट हुई, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी मैं आपको पहले ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि किस जगह पर हमने जो है एंट्री की है। इस जगह पर हमारी एंट्री हुई है और जो हमारा एग्जिट है वो नियरली इस पॉइंट पे है, यहाँ पर, ठीक है, एकदम ऊपर के पॉइंट पे। और कैसे हमने टॉप पे बुक किया प्रॉफिट, कैसे बॉटम पे एंट्री किया, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले चलते हैं यहाँ पे, आपको ले चलते हैं हमारे ट्विटर पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था यूएसडी जीपीवाई पोटेंशियल 200+ पिप्स फ्रॉम हियर, ठीक है। मैंने आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या 200 पिप्स यहाँ से जा सकता है, अपना व्यूज जो है शेयर कीजिए। यहाँ पे जिस किसी ने भी नोटिस किया होगा, देखा होगा, ठीक है, 224 व्यूज हैं। अगर किसी ने देखा होगा, उस पर अगर सेटअप बनाया होगा, तो डेफिनेटली उसको ट्रेड मिली होगी। और उसके बाद फिर जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, मैंने अपडेट भी किया। और जब मैंने यहाँ पर बुक किया प्रॉफिट एग्जैक्टली टॉप पॉइंट पर, अगर आप देखो इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, तभी पहली रेड कैंडल बन रही है 1 घंटे में, ठीक है। और वहाँ पर मैंने बता दिया कि मैं यहाँ से आउट हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हो, जब मैं आउट हुआ उसके बाद जो प्राइस है वहां से नियरली अपने बाइंग प्राइस के पास लगभग वापस आ गया। तो अब बात कर लेते हैं सेटअप की, बात कर लेते हैं लॉजिक की, ठीक है। सबसे पहले यहां पर चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और उसके बाद फिर चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैंने जो एंट्री ली है लगभग वो इस जगह पर ली है, पहली एंट्री यहाँ पर 128.9 पे, और फिर प्राइस नीचे आके यहाँ से ऊपर गया, और फिर मैंने एंट्री जो है दोबारा यहाँ पर ली। आप लोग को पता होगा जो भी मैं एंट्री लेता हूँ हमेशा दो पार्ट में लेता हूँ, दोनों का पोजीशन साइजिंग हमेशा सेम होता है। मेरा जो एसएल था इस स्विंग के नीचे था, तो एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर आपको इंडेक्स प्राइस में 128.703 दिखा रहा है, तो आपको यहाँ से जाके पिप्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उससे हमेशा 3 से 4 पिप्स मिनिमम आपको जो है दूर रखना है एसएल। इसका रीज़न क्या है, हर एक एक्सचेंज पे, हर एक ब्रोकर में प्राइस अलग होता है, 1-2 पिप्स वेरी करता है कौन सा आप एक्सचेंज यूज कर रहे हो, और वहां पर स्प्रेड भी होती है। तो मैंने बहुत इनिशियल स्टेज में लॉस खाया कि प्राइस मेरे बाइंग पे चूके या सेलिंग पे चूके ऊपर चलाता है। तो अभी मैं पीछे भी दिखाऊंगा एक जगह पे, एग्जैक्टली कल की ट्रेड में आपको दिखाऊंगा कि जहां पर सेम मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उस चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं, बाकी ट्रेडिंग बहुत ईजी है, तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स पे अगर आप नजर रख लोगे तो सारा काम ईजी हो जाएगा। अभी आपको सेटअप यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बहुत क्लियरली सेटअप बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर चलते हैं इस वाले, यहाँ पर मैंने एक और यूएसडी जेपीवाई बनाकर रखा हुआ है जिससे आप लोग को बहुत ईजी हो, ठीक। यहाँ पर करीब मैंने एंट्री किया था, ठीक है, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर एंट्री करने के बाद आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे मैंने ऊपर जाके कहीं पे प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे ये मैंने बनाया हुआ है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये ट्रेड। आप देखो कल मैंने आपको टेलीग्राम, आप मेरे टेलीग्राम पे जाना, ठीक है। कल मैंने टेलीग्राम पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। टेलीग्राम पर मैंने जितनी भी मेरी वीक की जितनी भी ट्रेड थी मैंने सब ओपनली शेयर कर दी, ठीक है। मैं बस एक चीज़ नहीं शेयर कर सकता, पोजीशन साइजिंग, ठीक है, मैंने उसको छोड़ के बाकी सब कुछ शेयर किया। यहाँ पर ये वाली आप ट्रेड देखना जो मैंने ली है लगभग 19 तारीख को, यहाँ पर 128.5 पे लिया है और यहाँ पर मेरा एसएल गया है इसमें, ठीक है। एसएल क्यों गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर आते हैं ट्रेड सेटअप पे। आप देखो मैंने इस जगह पर ट्रेड ली, जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप था, मैं आपको बता दूँ ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट हुई थी, अभी तो चार्ट ऐसा बन गया, तब ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह बन रही थी, बुलिश पैटर्न था, इन्वर्स ट्रेंड शोल्डर था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इसके नीचे मैंने अपना एसएल रखा था। और आप देखो प्राइस इसके नीचे आया, मेरा एसएल हिट किया, मैंने दो एंट्री यहाँ पर भी ले ली थी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसके नीचे मेरा एसएल हिट हुआ और प्राइस जो है यहाँ पर अगर मैं एसएल रखता तो मेरा प्राइस बच जाता, जो है एसएल बच जाता। उसके बाद आप प्राइस देखो कितना ऊपर गया। तो आपको ये चीज़ इनिशियल स्टेज में ध्यान रखनी है। आप एसएल भले 5 बार दे दो, बट छोटा छोटा एसएल देना। मैंने आपको दिखाया मैंने वीक में 9 ट्रेड टोटल किए, 9 में से 3 में ही टीपी हिट हुआ, स्टिल प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट है। अभी क्या होता है, काफी लोग की साइकोलॉजी हिल जाती है, वो यहाँ पर एंट्री करते हैं फिर एवरेज करते चले जाते हैं, फिर कभी कभी होता है कि प्राइस उनके फेवर में चला जाता है, तो वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, बाद में वो दिक्कत हो जाती है वहां पे। तो अभी आ जाते हैं अपने पुराने सेटअप पे, ठीक है। बात कर लेते हैं ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया, कहां तक ट्रेड किया, तो उसके बारे में बात करेंगे। मेरा जो सिंपल सेटअप है आप लोगों को पता होगा, सप्लाई एंड डिमांड, उसके सिवा मैं कुछ ज्यादा यूज करता नहीं हूं। सप्लाई एंड डिमांड पर मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी टेक्निकल एनालिसिस का, आप जाकर उसको देखना, प्रीमियम कंटेंट है बट फ्री में दिया हुआ है। रूल ये है कि जहां पर 1 आवर में 3 ग्रीन मोमेंटम कैंडल होगी, उससे पहले की जो भी कैंडल होगी, नो मैटर रेड और व्हाइट, यहां पर जो रेड ही होगी, ठीक है, क्योंकि अगर 3 मोमेंटम कैंडल यहां से ग्रीन है तो ये वाली जो है वो रेड ही होगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रेड कैंडल है इसका यहाँ पे हाई मार्क कर लेते हैं और इसका जो है लो मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर मार्क करने के बाद जो प्राइस है वो जब भी इस एरिया में एंटर करता है, पहली एंट्री हम टॉप पे लेते हैं, सेकंड एंट्री हम इसके बॉटम साइड पे लेते हैं सेम साइजिंग के साथ में, आप साइजिंग ऊपर नीचे भी कर सकते हो, वेरी करता है। और उसके बाद यहाँ से 1:2 का टारगेट लगता है। तो होप कि आपको मैंने समझा दिया, और आपको डिटेल में देखना है तो प्लीज आप जाके मेरी जो है वीडियो वॉच आउट करना। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेटअप की। आप देखो यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल मिली, आप देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल्स मिली 20 तारीख को, बट यहाँ पे ये रिटेस्ट नहीं हुआ, हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि मेरा सेटअप मुझे नहीं कह रहा है। और उसके बाद मुझे ये 3 ग्रीन कैंडल्स मिली, एक रेड कैंडल, मैंने इसका हाई मार्क किया, मैंने इसका लो मार्क किया, और मुझे पहली एंट्री मिली इस पॉइंट पे 1828.893, और दूसरी एंट्री मिली यहाँ पे इसके एकदम बॉटम पर, अगर आप देखो तो मुझे एंट्री मिली है और मेरा जो एसएल था वो बच गया 7-8 पिप से, ठीक है।
अब इसके बाद बात करते हैं कि मैं इतना लंबा टारगेट कैसे होल्ड कर पाया। देखो 1:2, 1:3 तक तो आपको छूना ही नहीं है। जितने लोगों ने मेरा वीकली एनालिसिस देखा था उनको मैंने क्लियरली बताया था कि मैं 20-20 पिप्स का एसएल देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब भी मुझे टारगेट मिलेगा मैं लगभग 200 पिप्स का टारगेट लूंगा, उससे कम का टारगेट मैं नहीं लूंगा। 1:10 प्लान करूंगा, 1:8 प्लान करूंगा, ये मेरा माइंडसेट पहले से क्लियर था। रूल ये कहता है 1:2 तक तो हम छूने वाले हैं नहीं ट्रेड को। तो यहां से लेकर ठीक है, यहां पे जो मैंने ट्रेड लिया यहां से लेकर तो यहां तक तो मैंने अभी टच नहीं किया ट्रेड को। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं किस पॉइंट तक, यहां पर जो मैंने ट्रेड लिया यहां से लेके यहां तक मैंने ट्रेड को बिल्कुल भी टच नहीं किया। उसके बाद जब प्राइस अब यहां से मुझे 1:2 लगभग मिल गया, तो अब मेरा काम यह था कि मुझे अपने ट्रेड को सिक्योर करना था। अब एक चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है, आप प्रीवियस चार्ट में आओगे आपको यह दिख रहा होगा फ्री फॉल जोन। ठीक, फ्री फॉल जोन पे मैं नेक्स्ट वीडियो फ्री फॉल जोन पे बना रहा हूं। यहां के फ्री फॉल जोन का मतलब इतना समझिए कि यहां से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई भी रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं था, बार बार ये रेजिस्टेंस फेस हो रही थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया था मैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड लूंगा। यहां से यहां तक प्राइस बहुत शार्पली नीचे आया, आप देखो 12:50 से गिरना शुरू हुआ है और यहां पे 18 तक 5-6 घंटे के अंदर प्राइस यहां पे गिर गया बिना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए। बहुत छोटे छोटे 5 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो कि मैं आगे बनाता चल रहा था। ये एक एरिया था जो रिट्रेसमेंट पॉइंट था, सप्लाई जोन, इस पे हम बाद में आते हैं। तो ये एरिया मेरे लिए पूरा प्रॉफिट का था, इसके बीच में मुझे कहीं पे रुकना नहीं था, ये मेरा बिल्कुल क्लियर था। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, जब प्राइस यहां से ऊपर निकला तो कई लोग क्या करते हैं इस जगह पे एसएल ट्रेड कर लेते हैं। देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है आपको 1:7 1:8 लेना है, तो फिर आपको ये छोटे छोटे एसएल नहीं ट्रेड करने हैं। यहां पे मुझे पता था, इसको बोलते हैं यहां पे लिक्विडिटी हंट, इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। इस जो सेटअप है यहां से दो वीडियो निकल कर आएगी, एक मेरा ये लिक्विडिटी हंट का वीडियो निकल कर आएगा और एक मैंने फ्री फॉल जोन बताया, ठीक है, ये यहां से निकल कर आएगा। तो मुझे पता था कि देखो प्राइस मैं आगे की वीडियो बताऊंगा, तो प्राइस यहां से ऊपर जा रहा था, मैंने की सपोर्ट लेवल बनाया, मुझे पता था रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट किया ऊपर गया, दोबारा रिटेस्ट हुआ, गजब की बाइंग आई, कॉन्फिडेंस डबल हो गया। ठीक है, यहां पर बाइंग आती है, उसके बाद फिर चले जाते हैं 3 मिनट चार्ट पे। आप लोग को पता होगा जितने लोग भी यहां पे टेलीग्राम पे हो, अगर नहीं हो तो मस्ट ज्वाइन करो टेलीग्राम पर, देखो मैंने सब कुछ शेयर करके रखा है। यहां पर मैंने जितने भी चार्ट पैटर्न बन रहे थे मैं इसको लाइव शेयर कर रहा था कि किस तरह अगर आप ट्रेंड के साथ भी होते हो, ठीक है, तो आप किस तरह से जो है चार्ट पैटर्न का यूज कर सकते हो। यहां पर सिंपल कुछ नहीं हुआ, यहां पर 3 मिनट का चार्ट है, आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, अगर आप यहां पर भी ट्रेड लेना चाहते हो यहां पर ट्रेड लो, यहां पर आप कैसे यहां से 1:2, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर एक सपोर्ट का टेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, यहां पर रेंज बनी, रेंज का ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद आप ऊपर जाओगे 3 मिनट में, फिर यहां पर एक ट्रायंगल टाइप का बना, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ। अब देखो यहां से टारगेट होते हुए चले गए, अब मेन एरिया आता है एग्जिट पॉइंट। एंट्री बता दिया, राइडिंग बता दिया, ट्रेल का बता दिया आपको कि किस तरह 1:8 1:5 है, तो आपको इस तरह के एसएल नहीं ट्रेल करने, ठीक है, आपको थोड़ा सा स्पेस देना। आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हो कि आपने मान लीजिए यहां पर कहीं ट्रेड लिया तो आपका एसएल अगर और नीचे तो आप थोड़ा सा एसएल ऊपर कर सकते हो, ब्रेक इवन पे भी मत लाओ अभी अभी के लिए, ठीक है, अगर टारगेट बढ़ा है तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपने यहाँ पर कि जब ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ फिर रिटेस्ट हुआ। अब आप एक चीज को देखो, जब प्राइस ट्रेंडिंग होता है तो कभी भी अपने जो प्रीवियस स्विंग होता है उसको ब्रेक नहीं करता और एक जगह पे टिकता नहीं। अब ये जब ये यहाँ पे कैंडल बनी और सप्लाई पे इतनी बड़ी रेड कैंडल आई तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की बात थी, जो लास्ट स्विंग थी उसको मैंने मार्क किया यहाँ पे और मेरा माइंडसेट एकदम क्लियर था, मैंने एकदम पोजीशन सामने ओपन करके रखी थी कि अगर जैसे ही इसको ब्रेक करता है मैं 101% एग्जिट हो जाऊंगा, मुझे कोई मैटर नहीं करता विक बना रहा है क्या बना रहा है, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट करने का तुरंत ही प्लान किया था। फिर यहाँ से मैं 1 मिनट चार्ट में शिफ्ट हो गया, ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, 1 मिनट चार्ट पे यहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एक बार बाइंग हुई, प्राइस ग्रीन कैंडल बनाया, उम्मीद थी कि इस तरह टच करके यहाँ से फिर ब्रेकआउट करे, क्योंकि आप देखो पिछले कहीं भी एरिया में बहुत ज्यादा उसने इस तरह कंसोलिडेट नहीं किया, वो ट्रेंडिंग मार्केट में यही होता है, प्राइस बहुत तेज गिरता है बहुत तेज रिकवर होता है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एम पैटर्न दिखा, सप्लाई दिखी और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं पिछले वीक से आपको बता रहा हूँ और आगे भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, फॉरेक्स इंटरडे में चलते हैं और यहाँ पर है DXY, ठीक, DXY मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया ट्रेडिंग में, जितने लोग समझ गए उनकी ट्रेडिंग ऑलरेडी चेंज हो चुकी होगी। यहाँ से जब पिछला जो मेरा सेलेक्ट हुआ था 19 तारीख को, सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेकडाउन की वजह से हिट हुआ था जो आपको दिख रहा है क्लियरली चार्ट पे। यहां से जब ऊपर जाना शुरू हुआ DXY तो यहां से यहां तक राइड किया। अब आप समझो, आप एक पेन लेकर कॉपी पेन लेकर बैठो और वहां पर आप लिखो कि DXY रेजिस्टेंस पे है, 1:8 आपने प्लान किया था, 1:6 आपको मिल चुका है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा जा रहा है, प्राइस भी सप्लाई जोन पे है, तो यहाँ पर आपको इमोशन बीच में ना लाते हुए एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जिट किया एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे और जहाँ पे मैंने एग्जिट किया ये मेरा मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा लक है कि जहाँ पे मैंने प्राइस एग्जिट किया उसके बाद से प्राइस उसके ऊपर कभी गया नहीं और वहाँ से सीधा 100 पिप्स नीचे आ गया, ठीक है, नियरली मेरे जो बाइंग प्राइस है उसके पास। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा कि मैं एग्जिट करूँगा प्राइस वहीं से गिर जाएगा, बट जो मेरी टेक्निक थी जो मेरी चीज़ें थी वो एकदम अच्छे से काम किया और लॉजिक मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो होप कि आपको एंट्री एग्जिट ट्रेलिंग जितना भी चीज था सब क्लियर हो गया होगा। मेक श्योर आप ट्विटर फॉलो कीजिए, ट्विटर पे कुछ भी होता है तो वहां पे 101% अपडेट दूंगा और टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट दे देता हूं जो मेरी ट्रेड्स होती है। ये वीक पूरा DXY के लिए बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, ठीक है, उसके बाद भी हमने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, 9 में से 3 ट्रेड सही जाना, उसकी स्टिल प्रॉफिटेबल होना बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मैं कहता हूं मेरे लिए तो बड़ी बात है, आपका नहीं पता मुझे। और अगर आप देखोगे, अगर मैं डेली चार्ट पे जाता हूं, आप वीकली कैंडल देखो और मैं वीकली कैंडल आपको दिखा देता हूं थोड़ी सी, और एक चीज का आप लोग ध्यान रखो,
अगर आप देखो, अगर आप वीकली कैंडल देखो तो कितनी वॉलेटाइल कैंडल है, एक पूरा हाई एक पूरा लो और बीच में जाके कहीं पे क्लोज किया, उसके बाद भी हमने प्रॉफिट अर्न किया। उसके बाद भी अगर आप देखो डेली में देखोगे, आप पूरा एक रेंज में डीएक्सवाई रहा, अगर रेंज में डीएक्सवाई रहता और हम इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, एक बार इमेजिन करो कि डीएक्सवाई चाहे नीचे जाए और चाहे ऊपर जाए, जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, उस वीक हम कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे, एक बार सोच के देखो। उसके लिए आपको क्या करना है, बस चैनल पर फ्रीली बने रहना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका यहाँ पे चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जितनी मेरी एनालिसिस होगी मैं दूंगा। और वीडियो को लास्ट तक जिन लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।